ਭਾਈ ਡੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? बड़े दिनों बाद हमने व्लॉग यहाँ से शुरू करा है बिकॉज यहाँ पे खड़ी होती थी हमारी बाइक, और बाइक से हमें याद आया है कि आज हम जा रहे हैं अपनी हमारी बाइक देखने, बिकॉज बाइक ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो आज थोड़ा एस्टिमेट मुझे चेक करना है कि टोटल कितने पैसे देने हैं, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा आई हैव टू गिव द पेमेंट एंड देन लीव। और साइड बाय साइड मैं कुछ नई चीज़ें भी खरीदने वाला हूँ, विच इज़ अ हेलमेट, क्योंकि आज मैं एक हेलमेट देखने जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे एक हेलमेट लेना है, सून 1 लाख होने वाले, तो मैंने एक स्पेशल चीज़ सोची हुई है, आप लोगों से शेयर करूँगा, बट देन लेट इट बी अ सरप्राइज। दिस आई थिंक वॉज वेरी डेंजरस एंड स्टूपिड, जो भाई नेशनल हाईवे के बीच में तुम साइकिलिंग कर। हाँ जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन बेब्स, रुक जा उतारना तो देना। आजकल ना तैयारियां बहुत होती है व्लॉग पे आने के लिए। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि देखो भाई 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, पार्टी चाहिए, हम तो पार्टी के लिए बैठे हैं भाई, फुल पार्टी ग्रैंड होने वाली है। बट 1 लाख पे अपने आपको एक गिफ्ट देना तो बनता है, उसके लिए आज हम एक हेलमेट देखने आए हैं। भाई हमने सोचा एक नया हेलमेट ले ही लेते हैं, राफा 11 ले रहा है, पैसा आ गया, देखते हैं अब बजट में जो आ गया और जो अच्छा लगा। तो प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है, हम लोग सिमरन की वेट करते हैं, बट सिमरन का कुछ लास्ट मिनट काम आ गया है, तो अब हम जाएंगे कावासाकी वेस्ट दिल्ली, वहाँ जाके हम करेंगे बाइक की इंस्पेक्शन। और तरन एक बात कह रहा था, तरन क्या कहता है व्लॉग में क्या खपनी पड़ती? सीरियस व्लॉग बनाते हैं भाई। भाई सीरियस लगते तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, हम भी थोड़ा इंप्रूव करेंगे। और अगर नहीं लगते और अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक कर दो, एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, विच इज करण सेगल _ एंड इनको अंडरवेयर नहीं है करण सेगल अंडरवेयर। और तरन को भी फॉलो कर सकते हो, क्या है बनी _09। अब अंडरवेयर नहीं है भाई, तुमने इतने अंडरस्कोर लगा दिए ना, इतने नहीं हमारे, एक अंडरवेयर है। तो भाई लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। तो जब तक हम कावासाकी वेस्ट दिल्ली पहुंचते हैं, तब तक आपको एक आवाज़ सुना देते हैं, इसको तो सब जानते ही, आई थिंक 10R को विद रेस फिट। ये बंदा तैयार होते हुए लुक देखो कितनी सीरियस, भाई ये दिखता है इसमें रात को? देखो लोग ब्लैक वाइजर लगवाते, दिखता है नहीं रात को? दिखता है, हम अंधाधुन चलाते हैं, वी आर गोस्ट राइडर। चलो सुनाओ फिर आवाज। सुनाए फिर चल के सुनते हैं अपनी बाइक की आवाज़, इतनी लाउड नहीं है बट देन हमें पसंद है जैसी। भाई हम पहुंच चुके हैं कावासाकी वेस्ट दिल्ली, एंड अब चलते हैं नीचे बेसमेंट में अपनी बाइक चेक करने। वो खड़ी अपनी सवारी, 1 महीने बाद देख रहा हूँ, देखो टायर अभी भी, रिम्स ऑलमोस्ट क्या हो गए, ऑलमोस्ट रेडी है बाइक। भाई हम एकदम सही टाइम पे आए, बिकॉज अभी टायर चेंजिंग प्रोसेस चल रहा है, तो क्या टाइमिंग है। आप लोग एक बार दिखा देते हो रिम बेंड जो पिछले टायर का हुआ, क्योंकि पिछला रिम इन्होंने अभी निकाल दिया, तो आई विल जस्ट शो यू कि कैसा था भाई बेंड। ये पूरा बेंड हो रखा है तो भाई, बिकॉज एल्यूमिनियम इज वेरी लाइट, दैट्स व्हाई इट्स यूज्ड इन बाइक्स। भाई कंपैरेटिवली बहुत हल्का है ये, जो गाड़ियों में रिम्स होते हैं, जो नॉर्मल एवरीडे कम्यूट वाली गाड़ियाँ होती है, उसमें रिम्स आर मच हैवियर, एंड दिस इज वेरी लाइट, उसके कारण थोड़ी सी स्ट्रेंथ में कॉम्प्रोमाइज आई थिंक हो जाता है, बट ओवरऑल ब्यूटीफुल मशीन, मुझे तो भाई बहुत पसंद। तो भाई हमने कावासाकी वालों से बात कर ली कि हमें ये रिम घर लेके जाने, क्यों लेके जाने वो दिखा देता हूँ। एक के साथ ये खेलेगा भाई, डंडा कितने है? भाई बड़े दिनों से इंतजार था एक बार बाइक ऑन करें और साउंड सुनते हैं एक बार। अभी ज़्यादा देर ऑन रेव कर नहीं सकते, बिकॉज काफ़ी दिन से ऑन नहीं हुई थी बाइक, तो इंजन थोड़ा गर्म होने देना चाहिए, उसके बाद बाइक ऑन करनी चाहिए। इसकी आवाज़ सुनो, क्यों ये किसकी है आवाज़ सुनाने तो भाई अप्रॉक्सीमेटली एक रिम इसका पड़ता है 80,000 के आसपास, एंड टोटल इज 1,60,000। और सिंस हमारी बाइक इंश्योर्ड है और 0% डेप्रिसिएशन है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3-4% देना पड़ता है, विच आई थिंक इज ओके, क्योंकि अब 2 नए रिम भी डल जाएंगे एंड अब बाइक सेफ रहेगी। मैं सोच रहा था रिपेयर कराऊं, बट देन रिपेयर कराने पे सेफ्टी बिकम्स अ मेजर कंसर्न। मैं बताता हूं रिपेयर कहां से होता है, बिट्टू नारायणे वाला। नारायणे वाला नहीं नहीं, अबे ईदगाह वाला वो करता है, तो ऐसी जगह दोबारा रिम नहीं मिलेंगे, ध्यान रखियो। क्यों नहीं मिल रहे?
बार बार तू ठोकता रहेगा वो कंपनी देती रहेगी बड़ा पार। तो भाई बस अब एक दो दिन में बाइक मिल जाएगी एंड उसके बाद वापस। अच्छा नहीं, हाथ का क्या करेंगे, फसल लगवा ली अभी छोड़ आई तो थोड़े दिनों बाद भाई राइडिंग शुरू कर देंगे ना, आप लोगों को राइडिंग ब्लॉग्स भी बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। आधा घंटा हो गया इस बंदे को गाड़ी घुमाते हुए, इसको एक खाने की जगह नहीं मिली अच्छी। कहाँ रहते हो भाई तुम? पंजाबी बाग। हाँ पंजाबी बाग में रहने, और कितने साल से रह रहे हो? पंजाबी बाग में हो गया मैं 15 साल। भाई 15 साल हो गए इस बंदे को पंजाबी बाग में, अभी तक इसको अच्छे खाने की जगह नहीं मिली। मुझे 20 मिनट से घुमा रहा है ये गाड़ी। एंड अभी एक और, अच्छा खाने की डेफिनेशन क्या होती है? अच्छा खाना, अच्छा खाना भाई, अगर का पुलाव खा ले नहीं खाना। अब देख कमेंट में बताना भाई पुलाव खिला रहा तो नहीं खाते भाई, खाते है। तो भाई आधा घंटा नहीं, अब तो 40 मिनट घुमाने के बाद बंदा कहाँ लेके आया है? हम गुड़गांव में भी खा सकते हैं। हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट है, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दो। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? नाम बताओ। YPM Vlogs YouTube चैनल यदुप्रियम मेहता। और आपका? कलेश भाटिया। तो दिस इज वन टीम व्हिच इज भाटिया साहब। आज तो ऐसा सीन हो गया था, तू भी दिखा उसकी तरह कितना खाते। तो ये तरन की खाली की डाइट है, घुमाया इसने मुझे इतना ज़्यादा, खा सबसे ज़्यादा यही रहा है। बट प्रॉब्लम ये थी कि हम घूमे 1 घंटा वो भी, और एंड में आए हैं मैकडॉनल्ड्स। मतलब बंदे की तुम देख लो दिमाग कितना लगाया है और लास्ट में खा लेके आया। हाँ भाई ये आदमी लेके आया, मेरे को मत बोलो। हाँ लेके मैं डोमिनोज जा रहा था, वहाँ बैठने की जगह नहीं। बट ठीक है, कुछ ना खाने से अच्छा कुछ खाना तो भाई ज़रूरी है, बिकॉज एट दी एंड एनर्जी तभी आएगी। हाँ जी काका जी, कितना था लगा? ठीक है, काम चलो काम चलो। तो भाई ये है सेकेंड डे ऑफ द व्लॉग, बिकॉज आज एक बहुत इंपॉर्टेंट शूट है जिसके लिए हाथ से हमने प्लास्टर हटवा लिया। दो अभी हाथ ठीक नहीं हुआ है, तो ओनली फॉर द शूट की मैंने प्लास्टर निकलवाया है। अभी भी थोड़ा यू नो, अगर हल्का बहुत भाई थोड़ा जोश में आ गया तो ये फिर से टूट सकता है, तो इसलिए वापस प्लास्टर लगवाऊंगा। बट उससे पहले आज ये शूट कंप्लीट करना जरूरी है, और मैंने सोचा आप लोगों को एक बार शूट दिखाया, क्योंकि बिकॉज अ लॉट ऑफ यू आस्क मी कि भाई आप लाइफ स्टाइल का भी थोड़ा बहुत शो करो। एंड हम अभी बाइक चला नहीं सकते, थोड़ा बहुत लाइफ स्टाइल का भी शूट करेंगे एंड आप लोगों को दिखाएंगे। एंड अभी बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी आए हुए हैं जो इंस्टाग्राम पे काफी फेमस है, तो उनसे भी मिलवाएंगे आपको। एंड देन थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स आपको दिखाते हैं। अभी पूरा मेकअप वेकअप होगा, बाल सेट होंगे, आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। तो चलते हैं, आई विल शो यू द प्रिपरेशन कैसी चल रही है। दैट्स अभिनव गेटिंग हिज मेकअप डन। ब्रो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आई एम एविक्स, आई गो बाय दैट्स माय इंस्टाग्राम हैंडल, अदरवाइज नोन एज अभिनव। एंड शूटिंग विद माय ब्रो करण, यू नो आज ज़्यादा इसके आउटफिट्स मैंने इसको ला करके दिए, क्योंकि गरीब के पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। Who's the taklu here? See, no worries. Ho gaya makeup, I'm done. You get it? That's the drawback of having him. So, bhai, hamari makeup ki baari hai. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around me. I think the makeup and all is all done. Now, we're just ready. देखो यार ये व्लॉग करने नहीं देते आजकल अपकमिंग यूट्यूबर्स को, मतलब दे वी वांट टू ग्रो, यू वांट टू ग्रो एविक्स व्लॉग्स सब्सक्राइब। हां ही हैज अ यूट्यूब चैनल, बट देन जितने लोगों में प्रमोट करते हैं दे नॉट एक्टिव, इवन ही इज नॉट एक्टिव। नो आई एम एक्टिव, आई हैव बीन आफ्टर हिम की प्लीज बी मोर एक्टिव। बट भाई फॉर नाउ ऑन गाइस, ओके आई डोंट राइड अ मोटरसाइकिल बट आई डू अ लॉट ऑफ बकचोदी, सो हां भाई बकचोदी के लिए यू कैन फॉलो हिम। एंड देन व्हाट्स योर हैंडल? दिवांश कंबोज, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम नॉट यूट्यूब। अभी मेरा शूट होने वाला है, दीस गाइस आर डन। सो वी हैव हाईजैक्ड करंस कैमरा एंड वी आर व्लॉगिंग फ्रॉम हिज चैनल। ठीक है, डू फॉलो हिम ऑन एबिक्स इंस्टाग्राम। वैसे ये काट देगा, मुझे पता है बहुत कमीना इंसान है, सब कुछ काट देगा, बट नॉनदलेस हमको अगर हाथ में कैमरा पकड़ा रखा है तो फिर वो कह रहा सी मैंने क्या कहा, कितना कमीना इंसान है, मतलब ये भी नहीं कि डाल दे अंदर, अपने दोस्तों की कोई वैल्यू ही नहीं है। इवन मतलब हम का छोटे छोटे, मतलब 4,000 सब्सक्राइबर है, मुश्किल से यू नो इतना भी नहीं कर सकता कि हमको थोड़े से सब्सक्राइबर्स दे दे, यू नो। चलो जस्ट इन केस वो लाया, फॉलो मी ऑन दिवांश कंबोज ऑन इंस्टाग्राम एंड हिम एट एबिक्स ABIX। चलो जाके देखते हैं जरा करण भाई कर क्या रहे हैं यहाँ पे। टू प्रोफेशनल शूट है, यू नो भाई मोटो ब्लॉगर भी है, लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर भी है, फैशन आइकन भी है, सब कुछ, अ फूड आइकन भी है, फूड आइकन नहीं फूड। चलिए इसके ड्रेस कोड मेकअप और चेक कर लेते हैं पहले, एक बार थोड़ा डैप करवा दो यार।
क्या क्या बातें हो रही थी? कोई बातें नहीं हो रही थी, मैं बता रहा था कि करण भाई जो है अपना बिल्कुल स्टाइल आइकन है, मोटो ब्लॉगर है, फूड आइकन नहीं है, अब फूड इज इन द पास्ट। भाई है हमारा बिल्कुल जिद्दी, बाल भी उसके इतने जिद्दी के बस बैठ नहीं रहे। ओहो पोजेस तो देखो, ओ गाइस क्या बात, सीरियसनेस, सम ग्रेट एटीट्यूड, ब्रूडिंग अवे लाइक एनीथिंग, क्या बात है। उफ, ओह माय गॉड, यह दैट्स व्हाट इट So we just got done with the shoot and I have another influencer who was the fourth person who was shooting with us. Please introduce yourselves. Hi guys, I'm Parakram Rana. My blog's called The Style Versatile. Yeah, so you can follow him there. You'll get good styling tips there. And inka introduction tha hum aapko de hi chuke. Naam hai Epic Sense. Nice. इसी के साथ हमारा आज का दिन होता है खत्म एंड आई होप आप लोगों को ये डिफरेंट एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया था बिकॉज मैंने दो दिन कंबाइन कर दिए थे, बट आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को। एंड भाई इट इज़ डिफिकल्ट बट इट इज़ फन एंड बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है ये सब शूट वगैरह करना स्टूडियोज़ में। एंड एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि मैं अभी राइडिंग शुरू करने वाला हूँ, भाई मैं राइडिंग अभी नहीं शुरू कर सकता बिकॉज कंप्लीटली हील नहीं हुआ है। इस शूट के लिए मुझे प्लास्टर निकलवाना पड़ा था एंड अभी राइड करना आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज जब प्लास्टर निकला है उसके बाद थोड़ी सी पेन थी मूवमेंट में, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, आप लोग थोड़ा सा और इंतजार कर लो। बट उसके बाद एक प्रॉमिस है कि हम रेगुलर रहेंगे जितना रह सकते हैं एंड आप लोगों के लिए रेगुलर कंटेंट पुट आउट करेंगे। एंड अब करते हैं आज का व्लॉग एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड इफ डिड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, उसे तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग वाज लाइव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। It's hard to breathe, but that's all right. Hush.